हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजीव और आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ सॉलिड वर्क की एक और ड्राइंग। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी पांच ट्रिक है जिससे आप अपने वर्क को और भी अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए मैं आपको इस वीडियो में पांच ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका वर्क और भी फास्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक स्केच ड्रॉ करता हूँ फ्रंट। सपोज करो आपने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी। अब होता क्या है फ्रेंड, जब भी आप दूसरी लाइन, सपोज करो मुझे इसके ऊपर एक दूसरी लाइन बनानी हो, इस कोने के ऊपर एक दूसरी लाइन ड्रॉ करनी हो इसी के पहले, तो आप क्या करोगे, एस्केप दबा के बाहर निकल जाते हो। जैसे एस्केप दबाया आप बाहर निकल गए और आपका कमांड रुक गया। आपको अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक ट्रिक लेके आ चुका हूँ। सपोज करो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, फिर लाइन ड्रॉ करी, फिर एक लाइन ड्रॉ। अगर आपको इसी पे एक और लाइन इस तरह इस साइड बनानी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ एस्केप ना दबाते हुए आप क्या करें, डबल क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक, लेफ्ट क्लिक, ये मैंने डबल क्लिक कर दिया। अभी आपका कमांड टूटा नहीं, ये आपकी बन गई इस तरह। आपको अब सपोज करो आपको ये यहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ बनानी है, तो अब आप एस्केप मत दबाना, आप क्या करोगे, लेफ्ट डबल क्लिक दबाओगे, ये डबल क्लिक की, तो इस तरह आपका कमांड छोटा भी नहीं और इस तरह ये हेल्पफुल भी है। अगर मुझे यहाँ पे इस तरह करनी है, तो आपको एस्केप नहीं दबाना, आपको एस्केप दबाना भूल जाना है। जब भी आप लाइन लो, तो आप क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे इस तरह, और यहाँ से एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर लोगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से ये डबल क्लिक की, अब मुझे यहाँ से बनाना है, तो मैं यहाँ से बना दूंगा। ये है आपका फर्स्ट ट्रिक। दूसरी ट्रिक है आपकी आर्क का। सपोज कीजिए फ्रेंड मैंने एक लाइन ड्रॉ की, अब मुझे इसी पे एक आर्क ड्रॉ करना है, तो आप क्या करोगे, आर्क में जाओगे, तब इस तरह से आर्क में जाके फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, लेकिन अब आपको इस तरह नहीं करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, एक लाइन ये ड्रॉ की इस तरह, इसी पे अगर वापस आओगे आप, इसी पे अगर वापस आओगे तो इस तरह से आर्क बन जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, सपोज करो एक लाइन लिया आपने, ये आपने ड्रॉ कर दी यहाँ तक। अब आप आर्क अगर दोबारे वहां इसमें स्केच में जाके आर्क लोगे, तो आप ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप क्या करो, एक बार क्लिक दबा के आगे तरफ, फिर उसी पॉइंट पर आ जाइए, और इस तरह से आपका ये आर्क ड्रॉ हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड, इस तरह आपका आर्क ड्रॉ हो जाएगा जहां भी आप ड्रॉ करना चाहते हो। जैसे इस पे कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, लाइन सेलेक्ट की, ये लाइन ले ली मैंने, इस पे क्लिक कर दिया। आप थोड़ा सा आगे जाके फिर रिटर्न इसी होल पे आ जाइए, ये आपका आर्क बन जाएगा। इस तरह आर्क बना लीजिए, फेस पे जाओ, फिर आर्क बन जाएगा, फिर इस पे थोड़ा आगे जाके फिर इसी पॉइंट पे जाओ, फिर आर्क बन जाएगा। तो आपको बार बार आर्क पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका आर्क का कमांड सेटल हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड, ये है आपका दूसरी ट्रिक। तीसरी ट्रिक है आपकी एंगल का। एंगल कैसे, अब सपोज कीजिए आपने ये एक लाइन ले ली और आपको इसका एंगल देखना है, इसका एंगल देखना है। तो आप पहले क्या करते थे कि एक लाइन में ऐसे इस तरह इसके हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा और डायमेंशन में जाके इसकी एंगल देखूंगा इस तरह, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इसका डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज करो इसका ही आपको एंगल देखना है, तो आप क्या करोगे, इसको ट्रिम कर दीजिए। आप क्या करोगे, डायमेंशन में जाओगे, ये लाइन सेलेक्ट कर लोगे और इसका एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस पर क्लिक करोगे और ये आपके डायरेक्शन है, मतलब किसके पर्टिकुलरली आप एंगल देखना चाहते हो। जैसे मुझे इसके अकॉर्डिंग देखना है, तो इस पर क्लिक कर दूंगा और इस तरह आप एंगल दे दोगे, ये आपका एंगल आ जाएगा। इस तरह से आपको बिना लाइन बनाए हुए एंगल शो हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड, एक बार और बता देता हूँ आपको। सपोज करो ये मैंने एक लाइन ले ली, अगर इसका मुझे एंगल चेक करना है, तो क्या करूंगा, मैं डायमेंशन में जाऊंगा, इस लाइन को
सेलेक्ट करूंगा और देन ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो, जरूरी नहीं है आपने ये लिया है, ये भी ले सकते हो। उसके किसके रेफरेंस में आपको एंगल देखना है, मुझे इसके रेफरेंस में एंगल देखना है तो इस पर क्लिक कर दूंगा, इस तरह से एंगल आपको शो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपकी तीसरा शॉर्टकट। अब मैं आपको बताऊंगा चौथे शॉर्टकट के, जो बहुत ही हेल्पफुल है। सपोज करो आपने कोई ड्राइंग बनाई और उसको न्यू डेस्कटॉप पे लाना चाहते हो, तो आप पहले क्या करते थे कि फाइल में गए, यहाँ ओपन किया, फिर आप किसी ड्राइंग को पर्टिकुलरली आप ओपन करते हो। लेकिन अब आपको इतना दूर जाना नहीं पड़ेगा, आपको सिंपली आर प्रेस करना होगा, आर फॉर रोज, तो आर प्रेस करना होगा। जैसे आप आर प्रेस करोगे तो इस तरह से आपके पास जो भी आपकी ड्राइंग है वो ओपन होके आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे सपोज करो ये ड्राइंग मुझे ओपन करनी है, ये करनी है या फिर कोई सी भी करनी है, सपोज करो ये ड्राइंग करनी है, इस पर क्लिक किया, इस तरह से ये ड्राइंग आपके सामने बन के आ जाएगी। तो ये आपका चौथा कमांड हो गया किसी ओपन फाइल को खोलने का। इसको थोड़ा शाइनी बना देते हैं इस तरह। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा कमांड। अब लास्ट कमांड आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, इसको ध्यान से देखिए आप। लास्ट कमांड है जूमिंग का। सपोज करो ये आपका एक दो तरह की जूम है, एक तो ये जूम हो गया, ठीक है, कोई भी पार्ट जूम करके देखना हो तो जूम करके देख सकते हो। लेकिन आपको अगर कोई अच्छा डीपली जूम करके देखना हो, सपोज करो इसको, अब ये इस तरह जूम हो गया कर्सर से, लेकिन आपको कर्सर घुमाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली प्रेस करना होगा जी, जी फॉर गर्ल, जी प्रेस करना होगा इस तरह, तो ये मैग्नीफाइंग लेंस आ जाएगा, इस तरह का लेंस। इससे आप बारीक से बारीक जूम भी देख सकते हो, जैसे मुझे इसका यहाँ देखना है इस रेडियस को, तो आप क्या करोगे कर्सर से जूम कर दोगे सिर्फ ये पार्ट ओनली, इसका अंदर का पार्ट भी देखना चाहो तो इस तरह से आप जूम करके देख सकते हो। तो आपको सिंपली जी प्रेस करना होगा और इस तरह से आप किसी भी पार्ट को आराम से जूम करके देख सकते हो, या आराम से जूम करके देख सकते हो कोई से भी पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके पांच तरह की ट्रिक हो गई, एक लाइन का था, एक आर्क, तीसरा एंगल, फोर्थ किसी फाइल को ओपन करना है तो आर प्रेस करना है, और अगर किसी पार्ट को जूम करके देखना है तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा जी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए ला सकूँ।